Hey, how's it going everyone? My name is Bari Pawar. बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का मेरे Minecraft के वर्ल्ड में. So guys, I was very very busy. In between the episodes, मैं अपने Minecraft के वर्ल्ड में थोड़े बहुत चेंजेस वगैरह ला रहा था जिसके बारे में मैं तुम लोगों को बताऊंगा. लेकिन तुम लोग यार यहाँ पर ये रेड रेड इज रिमेनिंग वन देख सकते हो यार. इसके बारे में तो स्पेसिफिकली मैं तुम लोगों को थोड़ी देर के बाद बताने वाला हूँ. ओके, बट सबसे मेन चीज मैं तुम लोगों को अभी जो बताऊंगा वो ये है कि आज से परे मैं जो भी अपने वर्ल्ड में काम करने वाला हूँ ना गाइस, मैं चाहता हूँ कि वो काम मेरे को एक स्टेप क्लोजर लेके जाए एंडर ड्रैगन को मारने के. तो आज मैं तुम लोगों के सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ थोड़ी देर के बाद कि मैंने चेंजेस क्या कर रहे हैं और आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और गाइस, मेरे पास यहाँ पर कुछ मेहमान आए हुए मेरे माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में. तुम लोगों को मैं दिखाऊंगा, हैरान हो जाओगे तुम लोग भाई, है ना. मैं भी हैरान हो गया था. बट सबसे पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है नॉक्स सिक्योरिटी ऐप. आप इसको प्ले स्टोर पे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो. मैं आपको इसके कुछ मेन फीचर्स बताता हूँ जो कि इस ऐप को बहुत खास बनाते हैं. सबसे पहले आता है इसका वायरस स्कैन फीचर. तो नॉर्मली आपके फोन को स्कैन करके वायरस डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर आप इसके रियल टाइम प्रोटेक्शन को ऑन कर देंगे तो ये आपको नोटिफिकेशन सेंड करेगा अगर आप गलती से कोई वायरस कंटेनिंग ऐप को डाउनलोड कर लेते हो और बाद में आप उसको डिलीट कर सकते हो. तो ये बहुत ही काम का फीचर है. नाउ अगर आपको बहुत सारी नोटिफिकेशन जाते हैं तो नोटिफिकेशन ब्लॉकर के थ्रू आप उनको ब्लॉक कर सकते हो. यहाँ पर जस्ट आपको उस ऐप को सिलेक्ट करना है और उसकी नोटिफिकेशन आनी बंद हो जाएगी. और इसे बहुत सारे फीचर्स है जैसे कि ऐप लॉकर हो गया है जिससे आप किसी भी ऐप में यहाँ से लॉक लगा सकते हैं. जंक क्लीनर से आप अपने फोन की जंक फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं जिससे आपका फोन और भी ज्यादा स्मूथ चलेगा लैग फ्री होकर. तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाएं और इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें. सो गाइस, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो लास्ट एपिसोड मैंने यहीं पर एंड किया था जहां पर मैंने यहां पर विलेजर्स की ब्रीडिंग करवाई थी, राइट. हालांकि मैंने ये वाला रेल सिस्टम अभी तक तोड़ा नहीं है, इसको मैं तोड़ दूंगा बाद में, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए. लेकिन लास्ट एपिसोड में मैंने सिर्फ एक बार ब्रीडिंग करवाई थी गाइस. ओके, ऑफलाइन जाकर मैंने इन लोगों की ब्रीडिंग करवाई है और यहाँ पर 7 लोग है. बट एक चीज जो मेरे को समझ में नहीं आई ना भाई, वो अभी भी मतलब कि मेरे दिमाग के पार जा रही है. यहाँ पर मैंने टोटल 6 बेड लगाए थे लेकिन यहाँ पर 7 बंदे हैं. 2 पहले के थे, 5 इन्होंने ब्रीडिंग करके करी है. और मैंने ब्रेड्स का इस्तेमाल नहीं करा, मैंने बेसिकली गाइस कैरेट्स का इस्तेमाल करा था और पोटैटो का इस्तेमाल करा था. एंड बिटवीन द एपिसोड गाइस, मैंने ये वाला स्ट्रक्चर बैक साइड में तैयार किया हुआ है. और यहाँ पर गाइज मैं अपने लिए एक छोटा सा ट्रेडिंग हॉल टाइप बनाने वाला हूँ. मैं ट्रेडिंग हॉल नहीं बनाने वाला हूँ जो कि सच्ची बात है. यहाँ पर मैं सिंपल सी मैंने एक बड़ी सी जगह बनाई है ये वाली ऑफलाइन जाकर. बस मैं आज की वीडियो में गाइज 2 चीजें करना चाहता हूँ, 2 या 3 चीजें मैक्सिमम टू मैक्सिमम. मैं चाहता हूँ कि गाइज ये जो लोग है ना विलेजर्स है, मैं इनको कन्वर्ट करूंगा अभी लाइब्रेरियंस में. और लाइब्रेरियंस में इनको कन्वर्ट करने के बाद गाइज मैं चाहता हूँ कि ये लोग मेरे साथ ट्रेड करें फॉर्च्यून 3 और सिल्क टच. That's it. उसके अलावा मेरे को फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं चाहिए इन लोगों से. तो यार गाइस, मैं इन लोगों का भी सिर्फ और सिर्फ बनाने वाला हूँ लाइब्रेरियंस. बिकॉज गाइस लाइब्रेरियंस ही वो इकलौती ऐसी चीज है जो मेरे को अच्छी अच्छी बुक्स दे सकते हैं. यू नो गाइस, हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है यार. यस, सारे के सारे बंदे यहाँ से उस साइड के लिए जा चुके. अबे वापस नहीं जाना है तुम लोगों को, ठीक है. तुम लोगों को इधर ही रहना है, इधर ही. और यहाँ से मैं इनके बेड तोड़ लेता हूँ एक बार. और यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 6 बेड्स है ना. मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट, देखो 7 तो ये बंदे है ही है मेरे पास, तो मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट 8 बंदे मेरे पास हो ताकि मैं 8 लाइब्रेरीज बना सकूँ और गाइस मेरे को मैक्सिमम टू मैक्सिमम बढ़िया वाली ट्रेडिंग मिल सके इनसे. मैं चाहता हूँ कि आज के आज ही मेरे को दोनों की दोनों बुक्स दे दे. बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आज मैं अपने लिए डायमंड के ओर इकट्ठे करके लाऊं और अपने घर के अंदर जाकर फॉर्च्यून 3 की पिकैक्स उनको मैं तोड़ू. तो दैट्स माय प्लान. और आज मैं अपना डायमंड का आर्मर कंप्लीट करना चाहता हूँ. बिकॉज डायमंड के आर्मर को अगर हम लोग एंचेंट करेंगे तो वही हमारे लिए सबसे बेस्ट रहता है हमारे एंडर ड्रैगन को मारने के लिए. तो भाई मेरे को यहाँ पर ना इस जगह को बंद करना पड़ेगा. मेरे पास यहाँ पे डर्ट है, ओके, डार्क ओक प्लैंक्स है मेरे पास. जैसे ये सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे मैं यहाँ पर इसको बंद करने वाला हूँ इस रास्ते को. परफेक्ट, अब तुम लोग वहीं पर होगे बंद, ठीक है. तो मेरे को यहाँ पर गाइस अपने लिए चाहिए होगे एक बेड मैक्सिमम टू मैक्सिमम. को एक ही बेड चाहिए, नहीं मेरे को चाहिए 2 बेड चाहिए, 6 बेड मेरे पास सिर्फ सिर्फ. सो हम लोग जाएंगे फटाफट बेड बनाते हैं. और मैं इनके लिए यहाँ से पोटैटो और कैरेट्स भी लेके चलता हूँ ना, ठीक है. सो गाइस, जो तुम्हें इतने सारे लेवल्स मेरे देख रहे हो, मैंने इससे पहले एक्सपी फार्मिंग इससे पहले मैंने फिश फार्मिंग करी है. मैंने थोड़े बहुत लेवल्स अपने एक्सपी फार्म से इकट्ठे करे हैं. बाकी मैं नेदर में गया था, वहाँ से मैंने अपने लेवल्स इकट्ठे करे. बिकॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है भाई आजकल मेरा चला हुआ. मेरे को लेवल्स की जरूरत है. अगर मेरे को एंचेंट करना पड़ेगा कुछ तो मुझे लेवल्स की जरूरत है गाइस. ओके, और इन लोगों ने अपने अपने बेड्स यहाँ पर चक दिए. ओह माय गॉड, वॉच, ये लाइब्रेरी कन्वर्ट भी हो चुका है लाइब्रेरी में. कैसे भाई, अभी तो मैंने यहाँ पर वो लगाई भी नहीं है. तुम दोनों लाइब्रेरी में कैसे आ सकते हो. और मेरे को लूटिंग 2 दे रहा है, मेरे को लूटिंग 3 चाहिए भाई जी आपसे, लूटिंग 3. ओके परफेक्ट, अब मैं यहाँ पर ये लेक्टेरन लेकर आने वाला हूँ. एक को मैं इधर लगाएगा, एक को मैं इधर लगाएगा, एक को मैं इधर लगाएगा. कोई सीन नहीं यार, अभी मेरे को जस्ट गाइस यहाँ पर फॉर्मेलिटी करनी है. बिकॉज इस चीज से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये अच्छा दिख रहा है बुरा दिख रहा है. बिकॉज मेरे को सिर्फ यहाँ पर बुक्स की जरूरत है. वो ये सारे के सारे कन्वर्ट हो चुके हैं. यस, एक बंदा सो रहा है,
और ये सारे के सारे क्या कर रहे हो भाई, इतनी सी जगह पे खड़े हो तुम लोग यार, हद कर रहे हो। परफेक्ट, तो भाई ये मेरा बेड है ओके, और मैंने यहाँ पर ओके मैंने यहाँ पर इनकी ब्रीडिंग नहीं करवाई है, एक एक्स्ट्रा बच रहा है। ये लोग टोटल अभी यहाँ पे 7 है और 8 बेड्स है। कोई बात नहीं यार, हम लोग 7 बंदों से भी काम चला देंगे। ये मेरे को लूटिंग 2 दे रहा है, ये मेरे को बेसिकली कुछ भी नहीं दे रहा है। ओए तुम दो क्या कर रहे हो, ये क्या चला हुआ है तुम दो का? अबे भाई मैंने तुम्हारे को भी खाना भी नहीं दिया है, ठीक है मैं दे देता हूँ इन दोनों को खाना। मेरे को लग रहा है ये दोनों कुछ ब्रीडिंग कर सकते हैं यहाँ पर मेरे लिए। यस, बहुत सारे पोटैटोस दूंगा मैं तुमको, बहुत सारे कैरेट्स भी दूंगा, कोई सीन नहीं है। ब्रेड मेरे पास है नहीं है, ये यस, जल्दी जल्दी निकालो, जल्दी जल्दी निकालो, कम ऑन, हमको 8वां लाइब्रेरियन चाहिए। अबे जल्दी निकालना यार, क्या कर रहा है ये, यहाँ से बच्चा निकल रहा है, मेरे को दिख रहा है यहाँ से बच्चा निकल रहा है, ये देखो यहाँ पे। अबे निकालना जल्दी, मेरे को हाथ तो दिख चुके भाई इसके, मेरे को बच्चे के हाथ दिख चुके हैं, साइड हो जाना। यस ओके, अपने बच्चे को कैसे देख रहा है देखो। भाई तू मेरे को अपनी ट्रेड्स बता, पियर्सिंग 2 बहुत ही गंदी ट्रेड है तेरी, तू बता, तू कुछ भी नहीं दे रहा है। और भाई जी आप बताइए, कुछ भी नहीं दे रहा है, तू बता, कुछ भी नहीं दे रहा है। तुम लोग कर क्या रहे हो भाई, मेरे को यहाँ पर फॉर्च्यून 3 चाहिए तुम लोगों से। ऑलराइट, तो जितना मेरे को पता है, मान के चल लो ये बंदे तो अपने बच्चे के साथ यहाँ पर बिजी है। ओके लूटिंग 2 ये मेरे को दे रहा है फिलहाल के लिए, ठीक है मतलब बुरी नहीं है, ये मेरे को कुछ भी नहीं दे रहा है। अगर मैं इसको तोड़ दूंगा ना गाइस, तो ये अपना प्रोफेशन लूज कर देगा, लेकिन मैं इसको यहाँ पर वापस लगा दूंगा तो वापस से आ जाएगा। अनब्रेकिंग 3, अभी मेरे को अनब्रेकिंग 3 दे रहा है भाई, अनब्रेकिंग 3 तो मेरे पास अनगिनत पड़ी हुई है, अनगिनत। ओके अनगिनत बोल रहा हूँ मैं, अनगिनत। स्वीपिंग एज 3 दे रहा है यार, ओके ये अच्छी ट्रेड्स अब देना स्टार्ट कर चुके हैं। ये तो कुछ भी नहीं दे रहा है, बढ़िया वाली ट्रेड है ना, तो मैं इसको तोड़ने वाला हूँ। तेरे वर्क स्टेशन को तोड़ देगा फोन और वापस लगाएगा, तो आई थिंक ये मेरे को कोई और ट्रेड दे सकता है, ये बंदा था वो है ना। फिर से कुछ भी नहीं दे रहा है, तू क्या दे रहा है, तू भी कुछ नहीं दे रहा है। तेरे भी वर्क स्टेशन को मैं तोड़ दूंगा, लेट्स चेक गाइस। वही इस बंदे ने अपना प्रोफेशन लूज नहीं किया, फिर भी एक बार देखते हैं। साइडो बता, अभी भी कुछ नहीं दे रहा है। लूटिंग 2 है यार, लूटिंग 2 मेरे भाई, तेरे को मैं 32 एमरल्स कहाँ से लाके दूं, सस्ती ट्रेड्स नहीं दे रहे मेरे को, 45 एमरल्स। भाई साहब शर्म नाम की चीज है तुम्हारे अंदर क्या, थोड़ी भी। स्वीपिंग गाइस 3 भी दे रहा है तो 45 एमरल्स भी दे रहा है, हद है यार तेरी भी। सो यार अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, वो लोग मेरे को बहुत ही महंगे वाली ट्रेड्स दे रहे हैं, तो मेरा जो प्लान है फेल है फिलहाल के लिए। हो सकता है टाइम के साथ मेरे को थोड़ी सी सस्ती ट्रेड्स दे दे, यू नो बिकॉज वी डोंट नो कि भाई क्या हो सकता है टाइम के साथ। बट उससे पहले गाइस मैं एक सरप्राइज तुम लोगों के लिए लेकर आया हूं। सो बेसिकली तुम लोगों को शायद से आवाज सुनाई दे चुकी होगी, मेरे मेहमान तुम लोग देख सकते हो गाइस मेरे पास 4 कैट्स हैं, यहाँ पर 4 कैट्स। जब मैं बैकयार्ड में अपना ये बना रहा था ना ये स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर पता नहीं कहाँ से 4 बिल्लियां आ गई, बड़ी मुश्किल से कैप्चर करी है मैंने रॉक कॉर्ड्स खिला खिला के, और 4 बिल्लियां मेरे पास है, हालांकि मैंने इनके नामकरण अभी तो करे नहीं है। सो जो मेरी पुरानी 2 बिल्लियां मरी है ना, एक का नाम बसंती था और एक का नाम था मुश्किन, तो 2 के नाम तो मैं वही रखने वाला हूँ, और बाकी 2 के नाम मैं आप लोगों के पे छोड़ देता हूँ। आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि भाई मैं क्या नाम इनके रख सकता हूँ। भाई देखो अगर तुम लोगों मेरे को अच्छी ट्रेड्स नहीं दोगे तो डेफिनेटली मैं तुम लोगों को मार दूंगा, मैं तुम लोगों को मार दूंगा, ठीक है। रिप्लेसमेंट्स लेकर आऊंगा मैं तुम्हारे लिए, बढ़िया वाले विलेजर्स। ओके गाइस मैंने अभी भी ध्यान दिया है, ऊपर से वो हट चुका है मेरा, वो जो पिलेजर्स की रेड वाला सीन था ना चला हुआ रिमेनिंग वन, वो हट चुका, जो कि बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, बिकॉज मुझे से पहले समझ नहीं आ रहा था कि एक रेडर कहां पर गया हुआ है, मुझे मिला ही नहीं भाई। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहां पर रेड हो गई थी मेरे विलेज पे, तो मैं चाहता नहीं था कि इस बारे लोग गन पाए, बिकॉज इस वीडियो में मैं सिर्फ काम की चीज करना चाहता हूँ, जो कि है वो प्रॉपर एंचेंटमेंट ढूंढना और उनको अप्लाई करना अपनी पिकेक्स के ऊपर, और बाद में जाकर डायमंड ढूंढना बहुत सारे, तो ये मेरा प्लान है इस वीडियो के लिए। तो यार मेरा एक प्लान है, अभी मैं ऐसा करता हूँ जो मेरी एक डायमंड है, 3 डायमंड मैं निकाल देता हूँ यहाँ से, एंड बेसिकली गाइस मैं ना वो डायमंड के पिकेक्स में बना के रखता हूँ, बिकॉज जितना मेरे को पता है कि मैं एक डायमंड की पिकेक्स पे सिर्फ एक चीज लगा सकता हूँ, या तो फिर मैं सेल्टस लगा सकता हूँ, या तो फिर मैं क्या बोलते हैं फॉर्च्यून 3 लगा सकता हूँ। तो अगर मैं इसका एक अलग से डायमंड पिकेक्स बना दूंगा, तो इस वाली पे मैं लगाऊंगा फॉर्च्यून 3, और इस एग्जिस्टिंग वाली पे मैं लगाने वाला हूँ सिल्क टच। ऑलराइट गाइस, ये है इसके पेरेंट्स, लुक एट देम, कितना क्यूट बच्चा है भाई ये, अरे बड़ा क्यों नहीं हो रहा है, खाना चाहिए क्या तेरे को बच्चे, आ जा। वही यहाँ पर ब्रीडिंग नहीं करना, वैसे यहाँ पर बेड्स है नहीं है, मैं खाना दे रहा है बच्चे को, ब्रीडिंग नहीं होनी चाहिए, ले खाना खा। अबे तू क्यों खा रहा है, बच्चे को खाने दे, बच्चे को खाने दे। अबे मेरे साथ ब्रीडिंग करनी क्या तेरे को, पागल हो रहा है क्या ये। तो यार गाइस मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ी बहुत एंचेंटमेंट चेक करता हूँ, कि अगर मैं इसको यहाँ रखता हूँ तो क्या पता मेरे को ये डायरेक्ट दे दे। ओके ये मेरे को यहाँ पर दे रहा है अनब्रेकिंग 3, एफिशिएंसी 2 दे रहा है और अनब्रेकिंग 1 दे रहा है। अनब्रेकिंग 1 तो बहुत ही घटिया है ना, मैं अपने लिए एक बार लैपिस लेकर आने वाला हूँ। मान के चलो गाइस यहाँ पर मेरी डायमंड की पिकेक्स है और मैंने यहाँ पर लैपिस
रख दिए हैं। अब मान के चलो हम लोगों को चाहिए यहाँ पर सिल्क टच या फिर हम लोगों को यहाँ पर चाहिए होगी फॉर्च्यून 3। तो गाइस हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो अब यहाँ पर अनब्रेकिंग 3 आ रहा है, या तो मैं अनब्रेकिंग 3 यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ। अनब्रेकिंग 3 के साथ अपने आप मेरे को यहाँ पर मिल सकती है फॉर्च्यून 3, या तो फिर उसके अलावा मेरे को मिल सकती है एफिशिएंसी 4 या एफिशिएंसी 5। अनब्रेकिंग के साथ अपने आप यहाँ पर आ सकता है, ये होता है मुझे पता है, लेकिन हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर गाइस 6 लेवल्स को देकर अनब्रेकिंग 1 सिलेक्ट कर दूंगा, तो मान के चल लो अभी यहाँ पर मैंने कर दिया है, अब मेरे लेवल यहाँ पर 39 हो चुके हैं। वाई मेरे 40 लेवल से ओनली 1 लेवल गया मेरा। तो अगर मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर डिसेंटेंट वाले पे रख दूंगा, अभी यहाँ पर डिसेंटेंट हो चुकी है, मेरे लेवल्स भी वापस आ चुके हैं। अब यहाँ पर मेरे हिसाब से चेंज हो जाएगा। ओके ये यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है, तो यहाँ पर अब एफिशिएंसी 1 आ चुका है ना, तो मैं एफिशिएंसी 1 चक दूंगा। ओके तो इस बार मैं इसको फिर से लेके जाऊंगा यहाँ पे और इसको मैं फिर से डिसेंटेंट कर दूंगा और मैं इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करूंगा जब तक मेरे को यहाँ पर ना मिल जाए कोई बढ़िया वाली एन्चेंटमेंट। तो यहाँ पर अनब्रेकिंग 2 आ रही है ना, मैं अनब्रेकिंग 2 चक देता हूँ एक बार। ओके लेट्स सी, बिकॉज मैंने एक ट्यूटोरियल देखा था यूट्यूब पे यार, उसने ऐसा काम किया था। सो मेरे लेवल की यहाँ पर अभी बेइज्जती हो चुकी है वैसे तो। ओके गाइज यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, मैं यहाँ पर अभी क्या करने वाला हूँ, मैं अनब्रेकिंग 3 चकने वाला हूँ। दैट्स इट, देखते हैं इसके साथ आता है कि नहीं आता है। जय माता दी गाइज, जय माता दी। ओके Yes! मैंने क्या बोला था तुम लोगों गाइस, ओ माय गॉड, अनब्रेकिंग 3 के साथ फॉर्च्यून 3 भी आ चुका है, एफिशिएंसी 4 भी आ चुका है। मैंने तुम लोगों को क्या बोला था, ऐसा होता है। ओ माय गॉड, दिस इज जस्ट मिरेकल गाइस, मिरेकल, लुक एट दिस। अनब्रेकिंग 3 के साथ फॉर्च्यून 3 भी आ चुकी है और एफिशिएंसी 4 भी आ चुकी है, एफिशिएंसी भी आ चुकी है, बाकी तो छोड़ो तुम लोग। ओके सो दिस मींस मेरा फॉर्च्यून 3 का सपना पूरा हो चुका है, मेरे को सिर्फ और सिर्फ सिल्क टच चाहिए और मेरी सोर्ड में मेरे को शार्पनेस 5 के साथ चाहिए यहाँ पर अनब्रेकिंग, जो कि मैं लगा सकता हूँ अभी और इसी वक्त मैं लगाने वाला हूँ। सो अगर देखा जाए एफिशिएंसी 4 है, फॉर्च्यून 3 है, अनब्रेकिंग 3 है, इसके अलावा अगर यहाँ पर एक मेंडिंग लग जाए, जो कि लग चुका है, जो एन्चेंटमेंट कॉस्ट ओनली 2, आर यू सीरियस ब्रो, आर यू सीरियस, वो मेरे पास ऑलमोस्ट परफेक्ट पिकेक्स आ चुकी है गाइस, ऑलमोस्ट परफेक्ट। तो अनब्रेकिंग 2 यहाँ पर मैं लगाऊंगा, तो मेरी एक और जो बुक थी इसमें मेरे को अनब्रेकिंग 3 चाहिए और एन्चेंटमेंट कॉस्ट ओनली 4 मांग रहा है भाई, थैंक यू। ओके रेस्पिरेशन 3 गाइस मेरे पास एक अलग से बुक पड़ी हुई है AFK फिश फार्मिंग से, तो मैं इसको लगा सकता हूँ एफिशिएंसी 4 को मेरी इस वाली पिकैक्स पे, ऑलराइट, जो कि मैं लगाने वाला हूँ अभी। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा अनब्रेकिंग 3 प्लस एफिशिएंसी 4 और एन्चेंटमेंट कॉस्ट ओनली 7 मांग रहा है, अभी मेरे 21 बचे हुए हैं, परफेक्ट। मैं क्या सोने वाला हूँ यहाँ पर। यार मैं एक चीज करूँ यहाँ पर, क्या मैं यहाँ पर अंधेरा कर दूँ, यहाँ पर अगर एक आधे मॉब स्पॉन हो जाएंगे तो मैं इन सभी को बचा सकता हूँ उनसे, एंड आई थिंक ये लोग अपने ट्रेड्स वगैरह यहाँ पर कम कर देंगे। सो लेट मी चेक, ओके लेट मी डू दिस वन टाइम। ओके गाइस और गाइस यहाँ पर रात होने वाली है, मैं यहाँ ऊपर बैठ के यहाँ से देखना चाहता हूँ मैं, है ना, कि कैसे यहाँ पर ज़ॉम्बीज वगैरह स्पॉन होते हैं, और मैं फटाफट जाके टॉर्चेस लगा दूंगा ताकि और स्पॉन ना हो, एंड दैट्स इट गाइस, हम लोग इनको बचाएंगे फिर। अरे गाइस यहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बी स्पॉन नहीं हो रहा है अंदर, तो अगर मैं यहाँ बाहर से किसी ज़ॉम्बी को आने दूँ, वो आयरन गोलम बाहर से आया अपने आप ही, क्या? आई थिंक इन विलेजर्स ने यहाँ पर एक आयरन गोलम को स्पॉन कर दिया है, हाउ? वो अब ये बिल्ली यहाँ से अंदर कहाँ से आई? ओके ये मेरी बिल्ली है, टेल मी प्लीज, अदरवाइज कोई और बिल्ली यहाँ से अंदर कैसे आ सकती है? यस अभी जाकर मैंने पटाया इस बिल्ली को, सीरियसली ये मेरी बिल्ली नहीं थी। हाँ जी सर, एक एक जॉम्बी की तलाश है मेरे को यार, बस एक जॉम्बी आ जाए, स्केलेटन नहीं चाहिए, एक जॉम्बी चाहिए मेरे को बस। वो क्रीपर तो नहीं? यस वहां पर एक जॉम्बी है ना, आजा मेरे भाई, यहाँ से अंदर आना है तेरे को, ठीक है, आजा 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 आजा, फटाफट फटाफट। ओके आ गया, ओह नो, भाग गया मेरा एक लाइब्रेरियन भाग चुका है गाइस, मेरा एक लाइब्रेरियन भाग चुका है, अब मैं इनको बचाऊंगा। यस देखो भाई तुमको मैं बचाने वाला हूँ, और ये छोटे वाला गंद पा रहा है, कहाँ है ये? ओ माय गॉड मेरी हेल्थ कितनी खा ली इसने, तेरी ऐसी की तैसी। ओके ये तो मान भी नहीं रहा था भाई साहब। सो आई हैव सेव्ड यू गाइस। ओके मेरे दिल कितने कब रह गए थे, मरते मरते बचाओ मैं अभी यार खुद भी। तो भाई एक बंदा बाहर भाग चुका है, एक हाँ ये रहा मेरा लाइब्रेरी, आ जा मेरे भाई, आ जा अंदर आना, अंदर को मेरे को पता है तुझे अंदर आना, मेरे को पता है ना, आ जा बहुत बढ़िया, तेरा वर्क स्टेशन तो अंदर है, तू बाहर कैसे भाग सकता है? सो नाउ गाइस अभी लोग उठ चुके हैं, अब मुझे बताओ क्या तुम्हारी कुछ ट्रेड सस्ती होगी? जो बंदे ट्रेड दे रहे हैं क्या वो सस्ता करेंगे कुछ माल अपना?
PS2 देखो 21 एमरल्ड्स पे आ गए गाइस, ये बंदे 31 पे आ चुका है लॉयल्टी 2 के साथ। आई थिंक इन्होंने थोड़े बहुत सस्ता तो करा है, मेरे को ऐसा फील हो रहा है। पंच 2, ये लोग मेरे को सिल्क टच कब देंगे रे बाबा, सिल्क टच कब दोगे रे? और तो ये बंदा क्या दे रहा है, लॉयल्टी 2 दे रही है, अच्छी ट्रेड है वैसे, लेकिन इसको तोड़ेंगे। और अगर मैं इसको फिर से लगाऊंगा, कहाँ पर है वो वाला बंदा, है ऊपर वाला बंदा है, और ये फिर से चेंज करेगा क्या, मेरे को खाली दे रहा है। सो दिस इज द थिंग गाइस, ऐसे ही करके मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ बढ़िया वाला काम। ओके इसको मैंने फिर से तोड़ दिया है, ये वाला बंदे का फिर से हो चुका है। चल बेटा अब बता अब क्या देगा, अब क्या देगा तू मेरे को? सिल्क टच, सिल्क टच, नो सिल्क टच। ओ भाई को भाई जी ने मेरे को सिल्क टच दे ही दिया आखिरकार। ओ माय गॉड, मेरे को वैसे एक और सिल्क टच की जरूरत है नहीं है, वैसे मैं एक और लेके रख रहा हूँ भाड़ में जाए। ओके गाइस एक और मैं लेके रख रहा हूँ। यस, तो फाइनली हमारे पास सिल्क टच आ चुकी है गाइस, सिल्क टच आ चुकी है। चलो आ जाओ यहाँ पे, हम इसको यहाँ रखेंगे, सिल्क टच को हम लोग यहाँ रखेंगे। एंड गाइस सी अनब्रेकिंग 3 एफिशिएंसी 4 एंड सिल्क टच। ओ माय गॉड गाइस सी दिस, एफिशिएंसी 4 है फॉर्च्यून 3, अनब्रेकिंग 3 मेंडिंग, और यहाँ पर है अनब्रेकिंग 3 एफिशिएंसी 4 सिल्क टच। और अगर मेरे को यहाँ पर एक मेंडिंग मिल जाएगी तो भाई जी मजा ही आ जाएगा, सीरियसली बता रहा हूँ मैं। ओके आई थिंक मेरे पास मेंडिंग की बुक नहीं है, और मेरे पास मेंडिंग की बुक नहीं थी रे, गलती हो चुकी है हमसे। लेकिन गाइस ओके है मेंडिंग है। ओके मेंडिंग इस पे है फिशिंग रॉड पे, ओए इस पे भी है, परफेक्ट मेंडिंग लेके चलेंगे। सो गाइस हम लोग इसको यहाँ रखेंगे, और मेंडिंग वाली बुक मेरी ये है, यहाँ से मेरे पास में आ जाएगा मेंडिंग। 17 लग रहा है, कोई सीन नहीं है, 17 मेरे पास नहीं है। ओह माय गॉड मेरे पास 10 है, अबे यार बस अब मेरे को 7 लेवल्स और चाहिए गाइस। ये भी अभी बेचारा काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। सो गाइस मेरे पास एक प्लान है यार, हम लोग ये भी तो कर सकते हैं, मैं क्यों करूँ वो, ये मैं निकाल देता हूँ जितने भी यहाँ पर ये मेरी ये फालतू के पड़ी हुई है ना, इन सभी के सभी को मैं निकाल देता हूँ। जैसे कि ये हो गया है फालतू में यहाँ पे, है ना, वो फालतू में रखा हुआ है, ये रखा है फालतू में, इन सभी के सभी के अगर हम लोग मेंडिंग निकाल देंगे ना, डिसएन्चेंट रिपेयर एंड डिसएन्चेंट वाले उस पर जाकर, तो डेफिनेटली हमारे लेवल जरूर बढ़ने वाले। एंड यहाँ पर बहुत सारे आ चुके हैं भाई, ये तो ऑलमोस्ट वी आर ऑलमोस्ट देयर गाइस, वी आर ऑलमोस्ट देयर। पंच 1 को तोड़ देंगे भाई, पंच की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ इसको मैं ले सकता हूँ 18 लेवल, मैं थोड़े ज़्यादा कर देता हूँ यार, पावर 4 को नहीं चाहिए हमें यहाँ पे। अनब्रेकिंग 3 मेंडिंग, मेंडिंग लक ऑफ द सी जरूरत नहीं है, लक ऑफ द सी 3 है, मेंडिंग है, अनब्रेकिंग 3 है, लू 2 है, इसको भी चेक देते हैं, मेंडिंग बहुत होगी मेंडिंग। सो गाइस हमारे पास 20 लेवल्स आ चुके हैं। ओए ये बिल्ली क्या कर रही है, पागल होगी क्या? ओए तू बैठ जा, इधर बैठ जा, चुपचाप वहीं बैठ जा, तू कोई सीन नहीं है। तो अगर कौन सी थी, ये वाली थी सिल्क टच वाली, इसमें को मेंडिंग चाहिए थी, राइट मेंडिंग चाहिए, तो सिल्क टच में मेंडिंग लग चुकी है, 17 मांग रहा है, हमारे पास 19 है। एंड दैट्स इट गाइस, हम लोगों के पास परफेक्ट वाली आ चुकी है, 2 पिकैक्स एफिशिएंसी 4 एंड ब्रेकिंग 3 सिल्क टच मेंडिंग, और यहाँ पर मेंडिंग एंड ब्रेकिंग 3 फॉर्च्यून 3 एंड एफिशिएंसी 4, बहुत बढ़िया। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टास्क है इस वीडियो के अंदर वो होने वाला है माइनिंग के लिए जाना, मैं प्योर ओर्स निकाल के लाऊंगा और अपने घर के अंदर उनको सजा के फॉर्च्यून 3 के पिकैक्स को खोदने वाला हूं, मैं देखने वाला टोटल डायमंड्स हमारे पास कितने आते हैं। एंड दैट्स इट गाइस, Now we are about to reach to our mine. Let's go, boys. Let's go. Yes, I remember this place. I think मैं अपने बहुत ही स्टार्टिंग के एपिसोड में यहाँ पर आया था guys. और ये मेरी 13th लेवल पे आ रही है ना, तो यहाँ पे आएगी हमारी 11th लेवल. So, इस साइड के लिए मैंने वैसे लास्ट एपिसोड में बहुत सारे डायमंड निकाल दिए थे, और मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैं गाइस अपने साथ वो लेकर नहीं आया हूँ, क्या बकेट, मुझे यहाँ पर सबसे पहले भी आयरन उरन खोदना पड़ेगा गाइस, थोड़ा आयरन खोदेंगे। तो यार यहाँ पर मैं अपना एक मेन बेस बनाने वाला हूँ सबसे पहले, इधर ही किधर यहाँ पर काफ़ी है, तो इसके अंदर मैं डाल दूंगा इसको। ओके मैं अपने साथ कोई भी वो नहीं लेके आया हूँ ना, लकड़ी से हो जाएगा क्या? यस लकड़ी से हो जाता है ना। ओके मेरे को चाहिए अभी यहाँ पर अपने लिए क्राफ्टिंग टेबल, क्या चाहिए था मेरे को, यूँ, यस परफेक्ट बन चुकी है, बहुत बढ़िया। और मेरी स्टिक्स वापस दे दे मेरे को, ठीक है। यस सो नाउ गाइस आई हैव बकेट ऑफ वाटर, और मैं पैदल ही जाऊंगा, भाड़ में जाएगी। ओह नो 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 नो, परफेक्ट इस साइड भी गिरा देते हैं ना, बहुत खतरा है यहाँ पे पानी का, आई मीन लावे का, परफेक्ट। ओके अब यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा ना, मैंने तो इसी को ध्यान नहीं दिया। वो डायमंड्स दिखे मेरे को, मुझे डायमंड्स दिख चुके हैं गाइस, मुझे डायमंड्स दिख चुके हैं यहाँ पे।
यहाँ पे। ओह माय गॉड बंदर, यहाँ देखो यार आप लोग, यार इन लोगों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया भाई, मैं ऐसे डर रहा हूँ ना, सीरियसली बता रहा हूँ मैं भी। क्या धोखा, आई थिंक दो नहीं तीन तो है ही है ना, तीन नहीं दो तो मेरे को दिख ही चुके हैं, आई थिंक गाइस सिर्फ दो ही है। इट्स ओके गाइस, हमारे पास अगर यहाँ पे दो ही है, दो से ही हम लोग खुश हो जाएंगे, ठीक है। वाओ जस्ट लुक एट दिस, टू डायमंड ओर्स, एट आयरन ओर है और रेड स्टोन के भी आ चुके हैं। अरे फालतू के सामान मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं ना, मैं सारे सारे अभी फेंकने वाला हूँ, डरा दिया यार इस बैट ने भी अभी कसम से। उफ, ये रेल मैंने बेल ले लिया। ओह माय गॉड, हमले 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 हमले। आए तुझे क्या लगता है तू बच सकता है क्या मेरे से, हैं दो शॉट में खत्म है तू, ठीक है। सो गाइस आई थिंक वी शुड गो समवेयर एल्स, मेरे को लगता है इस साइड के लिए जाना पड़ेगा, इस साइड की हम सारी की सारी इसको बुझा देंगे। हम लोग अभी परफेक्ट 11th लेवल पर गेड़िया मार रहे हैं, अरे से परे। ओके यहाँ पर भी मेरे को लास्ट टाइम पर बहुत सारे डायमंड्स वगैरह मिले थे, मुझे याद है। ओए ओए क्या क्या सीन है भाई साहब आपका। ओके ये नीचे और भी ज्यादा गहरी हो रही गुफा, यहाँ पर मेरे को मिल सकते हैं। वाह वहाँ पर लैपिश है बहुत सारा, और ओए मुझे लगा ये डायमंड है ये वाला, मैं तो खुश हो गया था। ओके इस केव में मैं पहले भी आया हूँ। ओके नो वे ब्रो, नो 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 नो, आ जा मार मेरे को, आ जा बस। यहाँ पर क्रीपर नहीं चाहिए। यस चेक ए न्यू रेसिपी, ये तो ऐसे बता रहे हैं जैसे मैं जिंदगी में फर्स्ट टाइम पे खोद रहा हूँ इसको, बट एक्चुअली मैं बहुत सारा लैपिस फर्स्ट टाइम पे लेकर गया था यहाँ से। नाउ लुक एट दिस गाइस, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, छः ये है, दो ये है, आठ ये है, सात। वाओ कोल बहुत सारा है, सारा कोल निकाल दूंगा भाई। वहां पर है एक स्पाइडर, मारो इसको गंदे को। ओ माय गॉड ऑलमोस्ट मैं नीचे घुस गया था, मैं बहुत ज्यादा फास्ट काम करने की कोशिश करता हूँ हमेशा ही है ना, और हमेशा ही मैं तकलीफ में फंस जाता खुद ही। ओके अरे भाई साहब सडनली मैंने इसको देख लिया, सडनली ओ माय गॉड सडनली मेरे को इसकी आवाज सुनाई देगी क्रीपर की। भाई इसने तो मेरे सारे कोल कुल फाड़ दिए यार, मेरी स्टिक्स वगैरह सारी वेस्ट हो गई है, क्या बात कर रहे हो यार। चल बैठ तू ही मर जा यार। ओके मैं इस जगह को बंद करने वाला हूँ यार, यहाँ कहीं से वो क्रीपर आया था पक्का। क्या करते भाई क्रीपर बड़ी गंदी है यार, मेरे को इसीलिए पसंद नहीं है ये। आजा शॉट खा ले, आजा और एक और शॉट खा ले। मर गया है वो, ये मर चुका है गाइस। यस 3 hours later बहुत मुश्किल है यहाँ पर ढूंढने यार, है ना, बहुत ज्यादा मुश्किल है भाई डायमंड ढूंढने। अब चल रहा है पता मेरे, ओ माय गॉड गाइस मैं जस्ट बोल ही रहा था डायमंड ढूंढने बहुत ज्यादा मुश्किल है, अब जाके मेरे को पता चल रहा है। देखो दो तो यहीं पर दिख चुके हैं। ओके एक्स्ट्रा केयरफुल ब्रो, एक्स्ट्रा केयरफुल। तीसरा दिख गया, चौथा दिख गया। ओ माय गॉड इतनी खुशी हो रही है भाई मेरे को अभी, आई जस्ट वांट माय डायमंड सेफ ब्रो। ओके ऊपर भी है क्या, ये बहुत सारे हैं। ओह यस जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल थिंग गाइस, मेरे पास टोटल कितने हैं, दो ही है ना यहाँ पे, आप देखता हूँ कितने निकलते हैं। 4 5 6 7 8 व्हाट टोटल 10 हो चुके हैं, 8 थे। ओह माय गॉड 10 आयरन और गाइस, दो से सीधा ही हमने 10 की जंप लगाई है। एंड वेन एवर देर इज डायमंड्स तुम्हें आसपास भी चेक करना पड़ेगा, बिकॉज आसपास लिंक में भी कहीं कभी कभी यहाँ पे डायमंड कि यू नो झड़ी लगी रहती है, तो यू नो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल गाइस। सम मोर रेड स्टोन, लेट मी टेक सम मोर रेड स्टोन, बहुत सारा रेड स्टोन। यस 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 यस, वो यहाँ पर पानी है, आसपास कहीं पर पानी है, साथ ही साथ लावा भी है। यस यहाँ से हम लोग एक और गुफा के पास पहुँच चुके हैं गाइस, सो मेरे को इसको बंद करना पड़ेगा। यहाँ पर आसपास हो सकता है कि भाई इन गुफा के आसपास हमको कहीं पर मिल जाएंगे बढ़िया से बढ़िया डायमंड्स। नो आई डोंट लाइक, सीरियसली डरा दिया भाई, कहाँ जा रहा है तू ड्रिफ्ट होके, हैं मर जाओ सर। तो यार मैं इस जगह को ना बंद ही करना चाहता हूँ सीरियसली बताऊँ तो, यहाँ पर कोई भी क्रीपर अलाउड नहीं है भाई जी, है ना, कोई भी नहीं आएगा, ना ही यहाँ पर कोई भी बदसूरत से बदसूरत ज़ॉम्बी अलाउड है। तो इसको भी निकाल ही देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है गोल्ड को, खुश हो जाओ भाई गोल्ड के साथ भी। ओह माय गॉड लिटरली गाइस बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है भाई मेरे को, और डायमंड्स नहीं मिल रहे हैं। सचमुच में गाइस डायमंड की माइनिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है।
बहुत पेशेंस की जरूरत होती है बेसिकली। ओके गाइज, मैं सोच रहा हूँ कि यार अगर मैं थोड़ा यहाँ से नीचे जाके खुदाई करूँ, 11th लेवल से नीचे, मेरा मतलब ये है, तो क्या होगा मुझे बताओ। यू नो यहाँ पर भी तो हम लोगों को बढ़िया मिल सकते हैं ना। अभी कौन से लेवल पर आ गए हम लोग? 9th लेवल पे आ चुके हैं। बेड रॉक तक नहीं जाना है बस मेरे को, ध्यान दूंगा इस चीज का। तो अभी हम लोग 8th लेवल पर है। 8th लेवल पर माइनिंग करते हैं, जरा देखें कि 8th लेवल पर कुछ होता है क्या। लेकिन मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूँ सीरियसली, कि क्या पता यहाँ पर मेरे को बहुत सारे डैमेज मिल जाए, क्या पता ना मिले। लेट्स चेक। ओके, रेड स्टोन तो यहाँ पर बहुत मिल रहा है भाई। रेड स्टोन बहुत मिल रहे हैं यहाँ पे, नहीं है। ओके, यस यस, थैंक यू। ओके ओके, यहाँ पर है डायमंड्स गाइस, यहाँ पर डायमंड्स आई थिंक इसे दो ही है, तीन है, तीन है। प्लीज थोड़े बहुत अटैच्ड मिल जाए, पता नहीं भाई। मैं चाहता हूँ यहाँ पर 50 डायमंड के और मिल जाने चाहिए। वाओ, आगे के लिए भी है, परफेक्ट। आई थिंक 5 चाहिए, ये 5 मेरे को मिल चुके हैं। आई थिंक 5 क्या भाई, फिर से 8 मिल जाए ना भाई तो मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन ज़्यादा लालच अपने को पसंद नहीं है, सिंपल सी बात है। जितने मिलेंगे भाई खुश रहो उतने में, ठीक है भाई। जो ये नेचुरल लाइट है ना इस चीज़ की, ये कसम से तबाही है एकदम। 10 है ना, 2, 3, 4, 5, 15 हो चुके हैं। थैंक गॉड कि मैं नीचे वाले लेवल पर अभी खुदाई कर रहा हूँ। देखो ये गाइस 7th लेवल पर जाकर मिला है मेरे को, ये 7th लेवल पर। कैन यू गाइस बिलीव दिस थिंग है। और मेरे पास यहाँ पे इन्वेंटरी इतनी ज़्यादा फुल हो चुकी है ना कि मेरे पास ये आ भी नहीं रहा है। यस, मेरे को अभी आयरन की जरूरत है ना बहुत सारे। ओ माई गॉड, यहाँ से लावा ही लावा आ चुका है गाइस, मेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा। आई हैव टू गो, बाय बाय एक्सपेंडिचर, बाय बाय, भागो। तो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ यार कितनी बड़ी जगह से मैं आया हूँ यहाँ से। ओ माई गॉड, इतनी सारी एक्सप्लोरेशन करने के बाद मेरे को 15 डायमंड के ओर्स मिले हैं, जो कि मेरे लिए एक बहुत ही बढ़िया अचीवमेंट है। तो हम लोगों ने यहाँ पर अभी हार मान ली है, मैं यहाँ से अभी वापस जाने वाला हूँ। 15 आयरन के ओर मेरे पास है, सो 15 से मेरे को लग रहा है 20-25 के आसपास मेरे को डैमेज मिल सकते हैं, राइट गाइस? तो उतना मेरे लिए काफ़ी है एक डायमंड का आर्मर टोटल पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बनाने के लिए। ओ माई गॉड, देखो यार कितनी सारी माइनिंग करी है मैंने, बिल्कुल स्ट्रेट करी है, मैंने कोई स्ट्रिप माइनिंग नहीं करी है। बिकॉज मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कभी स्ट्रिप माइनिंग करते कैसे, अरे परे खोदता रहूँगा, हो सकता है डैमेज वगैरह मिस हो जाए। लेकिन स्ट्रेट जाने से मेरे को बहुत सारे डैमेज मिल चुके थे। और कितने सारे रेडस्टोन भाई मैंने यहाँ पे मिस करे हुए हैं। वही लैपिश भी है यहाँ पे, वाओ, इसको भी चक के जाऊंगा मैं तो। यस, होम स्वीट होम, हेलो माय प्रिजनर, वो एंडरमैन, 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 यस 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 यस, आई हैव टू किल दिस गाय ब्रो, मैं इसको देखूंगा। यस, आ जा मेरे बेटे, आ जा। ज्यादा गुस्सा नहीं कर, ज्यादा गुस्सा नहीं कर, समझा? ले और देखूंगा मैं तेरे को, और देखेगा भाई तेरे को क्या करेगा। शार्पनेस 5 से भाई 3 शॉट में खत्म होना चाहिए, लेकिन 3 शॉट में खत्म हुआ नहीं अभी तक। आखिरी शॉट गाइस, ओए छोड़े से मार रहा है मेरे को तू। ओके, इसने वो नहीं ड्रॉप किया जो मुझे लगा था, ये आइज ऑफ एंडर ड्रॉप करेगा, लेकिन इसने नहीं किया। हो भाई साहब, कैसे हो आप? ठीक हो? हमारा प्रिजनर भाई, देखो भाई लास्ट एपिसोड में इसको मैंने कैप्चर क्या कर दिया बेचारा। अब जिंदगी भर के लिए कैप्चर है मेरे पास ये। यहाँ पे यू करके लगाएंगे ना बढ़िया से एकदम, मतलब पूरा स्टैक। ओके, खत्म हो चुका है ये। तो अब हम लोग इसको अपनी फॉर्च्यून 3 वाली पिकैक्स से तोड़ने वाले हैं गाइस, एंड लेट्स सी कितने तोड़ते हैं। 15 थे ना, ओके इससे 2, वो 4, आर यू सीरियस? ओके, इसने कितने दिए? 2, इसने 2 दिए हैं। इसने कितने दिए? इसने 1 भी नहीं दिया। व्हाट द हेल आर यू सेइंग ब्रो? भाई मेरे पर 11 कैसे हो गए गाइस? 4 से डायरेक्ट 11 कैसे हो सकते हैं 11? तो भाई मैंने 4 तोड़े गाइस और 4 मेरे को 11 मिल चुके हैं। वाओ, इसने कितने दिए? इसने मल्टीपल दिए हैं मेरे को 14, 3 दिए इसने मेरे को। इसने कितने दिए हैं मेरे को? 2 दिए हैं इसने मेरे को। इसने कितने दिए हैं मेरे को? इसने मेरे को 1 ही दिया है, बहुत बढ़िया। इसने कितने दिए हैं मेरे को? 1 दिया है। अबे इसने भी 1 ही दिया, इसने मेरे को ज़्यादा दिया है। वाओ, 3, यस। इसने मेरे को 2 दिए हैं, इसने मेरे को 1 दिया है, इसने मेरे को 2 दिए हैं। वाओ गाइस, 31 डायमंड्स मिले मेरे को टोटल 15 डायमंड के ओर से। और इसके अलावा भी मेरे पास थे गाइस बहुत सारे, 49 डायमंड्स गाइस, आई हैव 49 डायमंड्स एंड 2 डायमंड हॉर्स आर्मर्स। कैन यू गाइस बिलीव है मैं कितना ज़्यादा अमीर हो चुका हूँ? अब मैं
अपने लिए एक बहुत बढ़िया वाला एक सूट बना सकता हूँ मेरे हिसाब से। सबसे पहले हम लोग चेस्ट बनाएंगे। वाह, 8 डायमंड लगे चेस्ट को बनाने के लिए, बहुत बढ़िया। चेस्ट के बाद हमें चाहिए एक लेगिंग्स, ओके। इसके अलावा हमें चाहिए एक हेलमेट, और हेलमेट के अलावा हमें चाहिए होंगे जूते। दैट्स इट गाइस, हमें इतनी ही चीजें चाहिए और 25 डायमंड अभी भी मेरा बचे हुए है। वाओ, Smarty Pie had made the advancements, guys. Cover me with diamonds. मैंने जिंदगी में फर्स्ट टाइम बनाया हुआ है डायमंड का आर्मर। और सबसे पहले मैं अपने पुराने वाले डायमंड के जो आर्मर है ना, सॉरी जो नॉर्मल वाला आर्मर है, इसको मैं निकाल देना चाहता हूँ। Yo guys, look at me. I'm a proper little warrior, guys. Look at me. Whoa, my God. अब बस मेरे को यहाँ पे एंचेंटमेंट्स करनी है इनके ऊपर, एंड दैट्स इट गाइस। ये हमारे एंडर ड्रैगन से लड़ने के लिए मैंने तैयार कर दिया है। सो सबसे पहले मैं देखूंगा अपनी चेस्ट प्लेट पे क्या मिल रही है हमें 30 लेवल पे। फायर प्रोटेक्शन 3 अच्छा है ना। फायर प्रोटेक्शन 3 बहुत बढ़िया है अगर हम पे कोई आग छोड़ता है। ओके, लेगिंग्स पे हमें क्या मिल रही है? प्रोटेक्शन 3 मिल रही है सिंपल वाली। फायर प्रोटेक्शन 3 इस पे भी मिल रही है, और सर पे हमें मिल रही है अनब्रेकिंग 3। सो गाइस, अब तुम लोगों का काम है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मुझे अपने इस डायमंड के आर्मर पे क्या क्या एंचेंटमेंट्स करनी चाहिए एंडर ड्रैगन से लड़ने के लिए। बिकॉज गाइस, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग जाने वाले हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढने के लिए, और हम लोग बनाने वाले हैं कुछ पोशंस वगैरह जो कि हमें हेल्प करेंगे एंडर ड्रैगन से लड़ने के लिए। और उसके नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग जाने वाले हैं लड़ने के लिए एंडर ड्रैगन के साथ। तो भाई अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। बाकी गाइस, लेट मी नो द कमेंट सेक्शन आपको वीडियो कैसी लगी है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और हम तो आप लोग से ऐसी धासु नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।